सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ दोहरी जीवन रेखा के ऊपर। जी हाँ, जिनके हाथ में दोहरी जीवन रेखा बनती है उनके पास दो अलग अलग तरह की जीवन जीने की परिस्थितियाँ भी होती हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि उसके लाइफ में दो ऐसे परिवेश होते हैं जहां पर उसको अपने आप को टिका के रखना पड़ता है। जैसे इस हाथ में आप देखिए कि एक जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से बनते हुए नीचे यहां पर आके ख़त्म हो रही है, फिर एक और जीवन रेखा यहां से निकलते हुए यहां तक ख़त्म हो रही है। तो जब भी ऐसे कंडीशन बन रहे हैं और दोनों के बीच में देखिए कनेक्शन भी इस तरह से बना हुआ है, तो यहां पर समझने वाली दो बातें हैं कि ऐसा हो सकता है कि जिनके हाथ में दोहरी जीवन रेखा है मे बी उनका पास्ट लाइफ का या पुनर्जन्म की वाली स्थिति हो, पास्ट लाइफ में कोई कर्म बाकी रह गया हो, उस कर्म को इस जीवन में पूरा करने के लिए आए हैं। और एक ऑप्शन ये बनता है कि इनके पास दो परिवार होते हैं। दो परिवार का अर्थ यह है कि एक परिवार जो उनका जन्म से बनता है यानी माँ बाप बनते हैं, और दूसरा परिवार वो जब कई बार होता है कि माँ बाप बच्चे को पाल नहीं पाते तो वो दूसरे को बच्चे दे देते हैं। ये एक तरह से समझ लीजिए कि गोद लेने वाली स्थिति, तो कई बार बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी दोहरी जीवन रेखा की स्थिति बनती है। दो जीवन रेखा किसी के हाथ में रहे तो वो दो तरह के लाइफ को जीते हैं, एक अपने पास्ट लाइफ यानी इनके लाइफ में दो अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, एक इनका गरीबी वाला फेज होता है और एक अमीरी वाला फेज होता है। ये हालांकि बहुत बहुत रेयर केस है कि हाथ में जीवन रेखा दो बने, क्योंकि ऐसा एक व्यक्ति का मैंने देखा था, मुझे एक मौका मिला था, बट वो इंडियन नहीं है, वो फॉरेन के हैं। उनकी एक अजीब सी लाइफ है, वो एक करोड़पति हैं, मिलेनियर हैं, लेकिन उनका लाइफ का एक ऐसा फेज था जहां पर वो पूरी तरह से अकेले जंगल में सरवाइव कर रहे थे। तो वो व्यक्ति साल में एक बार 3 महीने के लिए जंगल चला जाता है विदाउट एनीथिंग, कोई भी चीज को बिना हाथ में साथ में लिए, सिर्फ वो 3 महीने सर्वाइवल में जीता है, पेड़ पौधे फल कंदमूल ये खा के जीता है, जबकि उसके पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, उसके रहते हुए भी वो 3 महीने के लिए एग्जाइल होता है यानी वनवास में चला जाता है। तो ऐसे लोगों के हाथ में भी ऐसी दोहरी रेखाएं होती हैं। ये लोग जो है ना दो तरह के अलग अलग लाइफस्टाइल को जीते हैं, मतलब इनके पास दो अलग अलग अनुभव होते हैं, एक मिलेनियर बनने का और दूसरा एकदम जिसको कहते हैं ना जीरो में जीरो चीजों के साथ सर्वाइव करना। दोहरी रेखा अपने आप में विचित्र है, अद्भुत है, और ये व्यक्ति के इनर स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। और एक बात यहाँ बनती है कि आप कई लोगों को देखे होंगे कि डुअल पर्सनालिटी होता है, दिन के टाइम पे इनकी पर्सनालिटी कुछ और होती है और रात होते ही कुछ और बन जाते हैं, तो उनके हाथ में भी दो जीवन रेखा होती है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इनको साइकोलॉजिकली इशू होता रहता है, इस वजह से जो है वो कभी भी इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते और हमेशा जो साइकोलॉजिकली वीक बने रहते हैं। तो अगर आपके हाथ में इस तरह की रेखा बनी है तो जीवन में आपके फ्लक्चुएशन बना रहेगा, कभी इस साइड जाएंगे कभी उस साइड, मतलब माइंड जो है स्थिर नहीं रह पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप दो शादियां करें और दोनों को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलें, हालांकि उसके लिए विवाह की रेखा भी यहां पर दो पैरेलल होनी चाहिए, इक्वली इतनी बड़ी बड़ी होनी चाहिए, तभी जाकर ये कंडीशन बन पाएगा कि आपके पास दो विवाह रहेंगी और दोनों ही विवाह को आप बहुत अच्छे तरीके से पैरेलल तरीके से चला पाएंगे। वैसे नॉर्मली ये 0.01% लोगों के हाथ में इस तरह की रेखा बनती है, अदरवाइज नहीं बनती है। तो आपके हाथ में भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना या उसके लिए कोई साइकोथेरेपी लेना, कुछ भी ऐसा जिससे आपका मानसिक अवस्था स्थिर बनी रहे, उस पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि अगर पैरेलल जीवन रेखा इक्वली बढ़ रही हो तो होता यह है कि बचपन में कोई एक्सीडेंट या कोई भी बीमारी की वजह से डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया हो और उसके बाद फिर इनको जीवन वापस मिल जाए, जिसको कहते हैं जीवन दान। तो जीवन दान होने वाली स्थिति में भी इस तरह की रेखाएं बन सकती हैं, उसमें संभावनाएं बहुत कम है लेकिन इस तरह की रेखाएं बन सकती हैं, दो दो जीवन रेखा, ठीक है। तो बहुत ही माइन्यूटली बहुत ही चीज़ों को विस्तृत रूप से डिटेल में देखकर समझ के ही फलादेश करना उचित होता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।